हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी इन्फो। आज एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का अनबॉक्सिंग करेंगे। बहुत ही बढ़िया मशीन है, हमने सर्वे करके नेट से मंगाया। इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, फिर वॉशिंग करके दिखाएंगे कैसा है। और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अनबॉक्सिंग करते हैं इसको और देखिए इस प्रोडक्ट को हम सब कुछ करेंगे इसके अंदर। इसका मॉडल नंबर है वर्लपूल का 7 किलो 5 स्टार टर्बो स्कर्ब। आइए अब स्टार्ट करते हैं। ये इसका ये बॉक्स, इसका कार्टून है, कार्टून मैंने निकाल दिया पहले ही। ये वर्लपूल का कार्टून है, निकाल दिया। अभी इसका प्लास्टिक का जो कवर है इसको हम निकालेंगे। निकाल दिया, ठीक है। इसका ये कवर है, एक बार हम इसको ऐसे खोलेंगे, खोल के इसे हैंग करने के लिए। इसको हम इसको करके यहाँ पे आप इसको रख सकते हैं, इसमें अटक जाएगा ये। अच्छा, इसका अंदर में एक मैनुअल मिलेगा आपको, ये मैनुअल। एक इसको स्पिन में देखने के लिए मैं बात बताऊंगा, इसको स्पिन में ढकने के लिए इसको ये है, इसको रख लो अलग से। और एक पाइप पानी के लिए, एक पाइप है वहाँ से डालने के लिए पाइप है। पाइप भी मैं इसको साइड में रख लेता हूँ, ये रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और एक इसका ये पावर पॉइंट, यहाँ से पावर पॉइंट में देने के लिए पावर पॉइंट है, ठीक है। और ये इसका स्पिन का कपड़ा वॉश करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इसको हम कवर निकाल लेते पहले, इसका इसका ढक्कन है, ये ऑटोमेटिक है, काट अप हो जाता है, ये खोल देते। उसके बाद में ये कवर भी इसको खोल के, और इसमें है सपोर्ट के लिए ना टूटे, इसको निकाल दिया, निकाल के टाइट कर दिया। और इसके अंदर यहाँ उठाए कपड़ा यहाँ पे डालना पड़ेगा, थोड़ा सा लूज लूज करके कपड़ा देना पड़ेगा, ऐसे नहीं है जोर से देने से दिक्कत होगा, वो दिखा देंगे कैसे डालना पड़ता है। और फिर इसको हम बंद करके, फिर बंद कर देंगे। फिर ये टाइमर, ये डायर है, ये इसमें हम दे देंगे बंद कर, जितना टाइम चाहिए हमें 5 मिनट देंगे तो अपना घूम घूम के यहाँ से आ जाएगा ये यहाँ तक। और ये वॉश, इसमें पानी डाल के जो वॉश करेंगे ये वॉश रहेगा, फिर हम ड्रेन करने से पानी, इसको गंदा पानी फेंकने के लिए ड्रेन करेंगे चला जाएगा, फिर वॉश करेंगे तो वॉश में डालना पड़ेगा इसको। और इसके बाद ये आपका टाइम वॉश टाइमर है, वॉश टाइमर कितना मिनट देना है, यहाँ से स्टार्ट करके 5 मिनट भी दे सकते हैं, 10, 1 जैसे हमें ज़रूरत है। और ये शॉक के लिए ये रखेंगे, शॉक मोड में आएगा तो शॉक मोड में आने से अपना आप ये रुक जाएगा कपड़ा, उसके अंदर शॉक करेगा अपना, फिर चालू होके ये चलते रहेगा, उसका बाद बजर बजेगा, इसका बजर बजेगा तो अपना बंद हो जाएगा। ये नॉर्मल में है, कपड़ा अगर नॉर्मल रहेगा, ज़्यादा हल्का रहेगा तो नॉर्मल डाल दीजिए। और डेलिकेट अगर सॉफ्ट वुलन हो, कुछ हो सॉफ्ट में डेलिकेट में डालना पड़ेगा। अगर तो कंबल टाइप का हो, कुछ हैवी कपड़ा हो तो हैवी में रखना पड़ेगा। ये पाइप वहाँ पे नलका में डाल के, इसमें दो है, इसमें डालेंगे तो इसमें वॉश लिखा हुआ है, और इसमें डालो फिर पानी डाल दो। आप बाल्टी से भी, बकर से भी पानी डाल सकते हो, और नलका से पानी डाल सकते हो। उसके बाद जब इसको ड्राई करेंगे फिर इसको यहाँ डाल के भी आप पानी से इसको धो सकते हो, यहाँ पे डाल के पानी यहाँ पे आ जाएगा। ये एक डिसेंट दोबारा आपको चेंज करना पड़ेगा, ये एक डिसएडवांटेज है, बाकी इसमें सब कुछ बढ़िया है। अभी इसका बैक साइड हम देखते हैं। बैक साइड में ये खोलने के लिए इसका स्क्रू वगैरह है, कोई डिस्टर्ब होगा तो खोल के चेक करने के लिए। और ये पाइप है ड्रेन पाइप, यहाँ से नीचे फेंक रखना पड़ता है, और ख़त्म होने के बाद में इसको हम यहाँ पे अटक देंगे ये ना गिरने के लिए। और ये जो वायर है, ये काम ख़त्म होने के बाद में, वॉश होने के बाद में इसका अंदर पहले डाल सकते हैं हम, ऐसे डाल देंगे और ये वाला यहाँ पे लगा देंगे, इसे लगा देंगे। ये है इसका मेन काम, इस लॉक का। इस वॉशिंग मशीन का एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है, इसमें बहुत सॉफ्ट व्हील है, 4 व्हील है, बहुत सॉफ्टली चलता है। मूवमेंट करने के लिए इस जगह, एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए, ये देखिए ये इतना मूवमेंट हो जाता है इसका, कोई टेंशन नहीं है, ये मूवमेंट हो जाएगा आपका। 5 स्टार रेटिंग है, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत कम होगा इसका। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये मोटर का 5 ईयर्स गारंटी है, दोनों मोटर का, एक स्पिन मोटर है एक वॉश मोटर है। और पूरा बॉडी का 2 ईयर्स से वारंटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
बहुत ही बढ़िया। और ये जो है ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है, इसमें कोई करंट नहीं लगता है और कोई शॉक भी नहीं लगेगा, और ये वाटर प्रूफ भी है, इसका अंदर पानी उनी थोड़ा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये स्पिन है, ये स्पिन बहुत बढ़िया सफाई करता है, और इसमें जितना भी गंदगी आएगा इसमें गंदे के अंदर हो जाएगा, और इसको हम साफ भी कर सकते हैं निकल के, इसको इसका अंदर गंदगी जमा हो जाता है तो इसको हम इसको धो के फेंक देंगे, फिर इसको दोबारा यहाँ पे हम लगा देंगे, ये लग जाएगा। ये अभी लास्ट में एक बात बोलना भूल गया था, इसका प्राइस, ये बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस है, ये हमने अमेजन से लिया था 10,450 का था, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से ले सकते हो, और कार्ड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में भी ऑफर मिलता है, उसमें भी आप अप्लाई करके अपना डिस्काउंट ले सकते हो, तो बहुत ही अच्छा है ये। अब इसको कपड़ा धो के हम दिखाएंगे इसको स्टार्टिंग टू एंड कैसे स्टार्ट होता है। ये पाइप हम नलका में डाल देंगे और ये वॉश में हम इसको वॉश में डाल देंगे इसको, और इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ से पानी गिरते रहेगा, और ये जो केबल है इसमें हम प्लगिंग करेंगे, इसको स्विच ऑन कर देते हैं, ऑन कर दिया। अभी इसमें हम नॉर्मल, हमें ज़्यादा कपड़ा है नहीं, अभी हम नॉर्मल में इसको डेलिकेट नॉर्मल में रखते हैं इसको, ठीक है। अभी इसमें हम थोड़ा सा सर्फ देंगे, सर्फ दे के इसको हम घुमाएंगे तो सर्फ और वाटर मिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम ज़्यादा कपड़ा नहीं है, आधा ढक्कन, एक ढक्कन हम सर्फ दे देंगे, कपड़ा ज़्यादा होगा तो तीन ढक्कन देना पड़ेगा। इसको हम एक मिनट डेढ़ मिनट इसको घुमा देंगे तो इसका बढ़िया से मिक्स हो जाएगा, पाँच मिनट भी नहीं चाहिए और कम में हो जाएगा, इसको बढ़िया से मिक्स होने दीजिए। अभी ये बाजर बज गया तो अपना ये बंद हो जाएगा। अभी इसमें हम कपड़ा डालेंगे, ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो हम थोड़ा सा कपड़ा डाल लें इसके अंदर, एक पर्दा दिया, एक पैंट दिया। अभी इसको हम 15 मिनट तक वॉश करेंगे, ज़्यादा कपड़ा नहीं है, ज़्यादा गंदा नहीं है, तो इसको हम घुमा के इसको हम यहाँ तक कर लेंगे, इसको 15 मिनट तक दे दिया तो ये अपना ये वॉश होता रहेगा। अभी इसको ढक्कन से भी इसका कवर कर सकते हम, ऐसा करके कवर हम कर सकते हैं, ऐसा करके ये यहाँ पे हैंडल है, इसको पकड़ के उठा के दोबारा यहाँ पे रखने के लिए इस सिस्टम यहाँ पे, ऐसा करके अब यहाँ पे इसको होल्ड हो जाएगा। अभी इसका टाइमिंग दिया था, वो टाइमिंग कंप्लीट हो गया तो बजर बजेगा। आप कोई जगह में बाहर में कोई किचन में काम कर रहे हो, इधर उधर हो रहे हो, कोई टेंशन, अपना आप ही बंद हो जाएगा। अच्छा, इसका एक फीचर बोलना भूल गया था, अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चला जाए बीच में इसका बंद हो जाए, ऑटोमेटिक वहाँ से स्टार्ट होगा, दोबारा रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, रिस्टार्ट का जरूरत नहीं है, अपना चालू हो जाएगा, ये एक फैसिलिटी इसके अंदर है। अब ये बजर बच जाएगा, बजर बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये वॉश बंद हो जाएगा, फिर इस पानी को हम ड्रेन आउट कर देंगे। उसका लिए क्या करना है मैं आपको अभी बताता हूँ, आप थोड़ा सा वॉइट कीजिए, ये बंद होने दीजिए, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा,
ऑटोमेटिक बंद हो गया। अभी इस पानी को हम ड्रेन कर देंगे, तो ये जो ड्रेन सिलेक्टर है इसमें आना है, आके ये वॉश मोड से इसको ड्रेन मोड में लाना है। ड्रेन मोड में लेंगे तो अपना सारे पानी, गंदा पानी निकल जाएगा। अभी इसको हम दोबारा वॉश मोड में लेके आएंगे, और ये अभी वॉश में ही पाइप है, इसको हम पानी इसमें अंदर डालेंगे। अभी नलका से भी पानी आ रहा है, और जल्दी जल्दी है तो आप इसमें बाल्टी से भी पानी यहाँ पे डाल के इसको धो सकते हो। अभी इसका पानी हम इसको बंद कर देंगे, जब तक कपड़ा के लिए पानी इतना एनफ है वो बंद कर देंगे। अभी इसको 5 मिनट मैंने धोने के लिए दे दिया, इसका फ्रेश पानी में इसको वॉश हो रहा है। अभी इसका टाइमिंग हो गया, बाजार बज रहा है, तो बाजार बज के अपना ये बंद हो जाएगा। फिर इसको पानी को हम ड्रेन कर देंगे, फिर इस कपड़ा को हम स्पिन टब में ड्रायर में हम डाल के फिर थोड़ा सा पानी से, फ्रेश पानी से इसको धोएंगे, फिर इसको ड्राई करेंगे। अभी इस कपड़ा का जो गंदा पानी है इसको हम ड्रेन करेंगे, ड्रेन सिलेक्टर का हम वॉश से फिर ड्रेन में लाएंगे, तो सारे पानी वहाँ से निकल जाएगा। अभी इस कपड़ा को ड्रायर में डालेंगे, उससे पहले पाइप को चेंज कर, ये थोड़ा सा आपको बार बार करना पड़ेगा जब भी आप ड्राई करेंगे। इस कपड़ा इस पाइप को उठा के आपको ड्रायर का ड्राई मोड में आपको डालना पड़ेगा। फिर इसको ढक्कन को ऐसे खोलना पड़ेगा, फिर ये दूसरा जो है ये ढक्कन इसको खोल के फिर ये कपड़ा को इसमें डालना है आराम से, ज़्यादा जल्दी मुझे डालना नहीं है, आराम से डालना है। इसको डाल के फिर ये वाला से, अभी कपड़ा कम है डालने से जोत भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा कपड़ा होने के बाद इसको अंदर से ऐसे करके डालना पड़ता है ऐसे करके। फिर इसको ढक्कन डाल के ये ढक्कन बंद करना पड़ेगा, इसको हम वाटर चला देंगे और ये ड्रेन मोड से इसको वॉश मोड में इसको रखना पड़ेगा। रख दिया, और ये इसमें हम पानी चालू करके इसको हम पानी से दोबारा वॉश कर। अभी 2-3 मिनट इसको पानी से बढ़िया से दोबारा वॉश हो गया। अभी पानी को हम बंद कर देंगे, ये नलका का पानी को बंद कर दो, बंद करना पड़ेगा। उसके बाद ये अपना घूम के ऑफ बटन में आ जाएगा, तो अपना ड्राई हो जाएगा। फिर आपको दिखाएंगे हम कैसा इसको ड्राई होता है और कैसा इसको निकालना पड़ेगा। ड्राइंग टाइम ख़त्म होने वाला है, ऑफ हो गया ये, तो इसको हम ढक्कन खोलेंगे तो ऐसा घूमते रहेगा ये उठने से बंद हो जाता है, अपना बंद हो जाएगा ऑटोकट। ये इसको निकाल के उसको रख देंगे, और ये कपड़ा ऐसे करके निकाल के हम बिल्कुल कोई पानी नहीं है कुछ नहीं, बिल्कुल सूखा हुआ है, देखिए सूखा हुआ है, और इसका भी कपड़ा बिल्कुल सूख गया कुछ नहीं है बिल्कुल, बस थोड़ा सा धूप में आधा घंटा एक घंटा डालने से बस कोई दिक्कत नहीं। सर्दी में तो बहुत फ़ायदा है वॉशिंग मशीन का, तो इसको ढक्कन लगा के ऐसे करके इसको हम यहाँ से खोल देंगे, बस कंप्लीट हो गया। डियर फ्रेंड्स, कैसे लगा मेरा वीडियो? इस वीडियो को आप शेयर सब्सक्राइब लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, आपको अगर इसको परचेज करना है वहाँ से क्लिक करके परचेज कर सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।